हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी मैजिकल आइस क्यूब का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये जो आइस क्यूब है वो आपकी झाइयां के लिए, आपके पिगमेंटेशन के लिए, साथ ही साथ आपकी स्किन टोन को टाइट और फेयर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मैंने आप सबको पहले भी बताया, जो आइस क्यूब होती है वो फेस पैक से ज़्यादा वर्क करती है और बहुत ही अमेजिंग सी होती है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में एक बेल जैसा बटन होगा, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आप उसे क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप देख लेना कि आपने उसे क्लिक किया है या नहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की हमारी आइस क्यूब के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए छोटे छोटे दो आलू। यहाँ पर मैंने दो आलू के छिलके निकाल लिए हैं और आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि हमें इसे फेस पर यूज करना है। तो ये आइस क्यूब की सारी चीजें आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी, साथ ही साथ ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव भी है। तो मैंने यहाँ पर आलू इसलिए लिया है कि आलू में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ स्किन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये हमारे झाइयों पर बहुत ज्यादा असर करता है, साथ ही साथ हमारे झाइयों को काफी हद तक रिमूव करता है और हमारे स्किन टोन को लाइट करने का भी काम करता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए एक टमाटर। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर के छोटे छोटे चार टुकड़े कर लिए हैं। तो टमाटर में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। हमारी स्किन पर जितना भी ग्लो आता है वो विटामिन सी की वजह से होता है। खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे हमारी स्किन पर ग्लो आता है, इस पर चमक आता है और हमारी स्किन टोन होती है वो वाइट दिखती है। तो आपको यहाँ पर दो छोटे छोटे आलू और एक टमाटर को मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड करके उसका जूस बनाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको मिक्स करने के लिए रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। रोज वाटर भी हमारी जो स्किन होती है उसका निखार वापस लाता है। तो मैं यहाँ पर करीब 4 से 5 टेबल स्पून जितना रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कि आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे एक अलग कंटेनर में ले लूंगी क्योंकि हमें इसमें अभी भी 1 से 2 चीजें ऐड करनी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस भी अगर आपके फेस पर कोई भी तरीके के दाग धब्बे हैं, निशाने या झाइयां हैं, या तो आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसके मार्क्स को हल्का करने में काम करता है। तो आपको यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस ऐड करना है। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो डोंट वरी, आप इसे ऐड मत करो। और उसके बाद हमें यहाँ पर हनी ऐड करना है क्योंकि जो हनी होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जितना हनी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक आइस ट्रे लेनी है जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, वो आइस ट्रे लेनी है और आपको ये सारी पेस्ट को उसमें ट्रांसफर कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ये सारी पेस्ट को इस आइस ट्रे में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आइस ट्रे को अच्छे से फिल कर लिया है। तो अब मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में आइस क्यूब बनाने के लिए छोड़ दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 से 4 घंटे के बाद हमारी जो आइस क्यूब है, मैजिकल आइस क्यूब है, रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे यूज करना है। तो ये आइस क्यूब फेस पर लगाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको एक आइस क्यूब लेनी है। आप इसे डेली एक भी यूज कर सकते हो अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा झाइयां की प्रॉब्लम है या तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो आपको डेली एक आइस क्यूब लेनी है और उसको कॉटन के कपड़े में रुमाल में लपेट कर ही फेस पर यूज करना है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हम डायरेक्टली आइस क्यूब फेस पर यूज क्यों नहीं कर सकते हो। तो इसका जवाब है, अगर आप डायरेक्टली फेस पर आइस क्यूब यूज करोगे तो आपका फेस का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा आइस क्यूब सोख लेगी, जिससे आपकी जो स्किन होती है वो डैमेज हो सकती है या तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई या क्रैक हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑलवेज रुमाल में लपेट कर ही यूज करो तो वो बेटर है। तो आपको गोल गोल सर्कुलर मोशन में घुमाकर फेस पर मसाज करनी है। मसाज करने से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, फास्ट होगा, जिससे हमारी स्किन नेचुरली ग्लोइंग दिखने लगती है। साथ ही साथ आइस क्यूब से हमारी जो स्किन होती है वो टाइट होती है, हमारे पोर्स क्लीन होते हैं और हमारे पोर्स में छुपी गंदगी भी रिमूव हो जाती है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आइस क्यूब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आइस क्यूब से आपके फेस का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी है हल्के हाथों से। हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें यूज की वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए और हमारी स्किन टोन को ब्राइट करने के लिए। पोटैटो जूस, टोमेटो जूस बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारे स्किन पर जितने भी दाग होते हैं उसको हल्का करने का काम करते हैं और हमारे फेस को नेचुरली ब्लीच करते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 1 से 2 मिनट तक फेस पर अच्छे से मसाज कर ली है। अब मैं नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लूंगी। आपको यहाँ पर ज्यादा कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सिर्फ पानी से अभी फेस को वॉश किया है और आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली मेरे फेस पर कितना ग्लो आ गया है। ये आपके फेस पर इंस्टेंटली ग्लो तो देगा, बट अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, जाया है, तो उसको रिमूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको इसे डेली यूज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसे वीक में कम से कम 3 बार यूज कर सकते हो। तो आपको इसे डेली बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये आपका टाइम भी बचाएगा। आपको इसे सिर्फ एक ही बार बनाना है। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है और बोथ मेन एंड वुमेन भी इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ ये वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपका फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना। तो अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।